देख सकते हैं। और अभी हम आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको वहाँ पर काफी ऊंची जगह, ये मशहूर है कि वहाँ जाके पूरा मतलब पूरा जेएनयू दिख सकता है। हाँ, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर दिखाएंगे इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ से कुछ दूरी पे हमें कुतुब मीनार भी दिख जाएगा, आपको उसकी तरफ भी आपकी निशानदेही करेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छी जगह है यहाँ पर मतलब घूमने आते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, तो जिसकी वजह से मैं जेएनयू का हूँ, ठीक है। और हमारे जो अतर जमील साहब हैं, जो कि हमारे सीनियर थे, अभी भी सीनियर हैं, ठीक है, इफ्लू में हम साथ थे, काफी हमने एंजॉय किया था वहाँ पर, काफी लर्न एक दूसरे से किया था। और तो आज भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर घूमने आए हैं, आप पीछे दिखा सकते हैं किस तरीके से, कितना अच्छा माहौल है, जो दिल्ली जैसे इलाके में जो इस तरह का माहौल, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड पॉपुलेटेड एरिया है कि इतनी तादाद में लोग रहते हैं, जहाँ पर जगह नहीं मिलती रहने की, वहाँ जेएनयू इतना अच्छा एनवायरनमेंट पेश करता है कि जहाँ पर आपकी फॉरेस्ट्री है, ग्रीनरी है, ग्रास पाई जाती है, आपका बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, फ्लोरा और फौना। आप देख राजीव भाई की माशाल्लाह वो सलासत जुबान की माशाल्लाह बिल्कुल अटक भी नहीं आती है, बिल्कुल एकदम बोलते जा रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि अजीम है माशाल्लाह, बड़े अच्छे खतीब भी हैं, वो खिताबत का भी काम करते हैं माशाल्लाह, और बड़े एक्टिव हैं, ये सिर्फ एकेडमिक से जुड़े हुए नहीं बल्कि वो सोशल सर्विस से भी जुड़े हुए हैं, घर जाते हैं तो उनके बहुत सारे वेलफेयर काम भी करते हैं अजीम भाई। तो ये ऐसे लोग उम्मत का असासा है, और इंशाल्लाह हम लोग मिल करके अजीम भाई, और हम लोग का बहुत सारे विजन है कुछ करने के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, हाँ, खासकर जो ह्यूमन डेवलपमेंट में। और अजीम भाई, मैंने अभी एक काम शुरू किया अपने यहाँ, मैं एवरेज फाउंडेशन एक एनजीओ दर्जा किया हूँ मैं, जी जी बिल्कुल, तो एवरेज फाउंडेशन एजुकेशन कंसल्टेंसी के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने स्कॉलरशिप भी देना शुरू किया हूँ, अभी मदरसा वालों के लिए किया हूँ, जो बच्चे हाफिज बनना चाहते हमारे इलाके के उसको मैं दे रहा हूँ स्कॉलरशिप, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम है। तो इसी तरह धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं एकेडमिक लाइन से भी जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ना चाहता हूँ उनके लिए इंशाल्लाह शुरू करूँ, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है हमारे पास, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक छोटे पैमाने पे शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम मतलब काफ़ी काबिल शताइश है, वो इस माने में कि जिस तरीके से मतलब हम दुनिया की तरफ जा रहे हैं और कुरान हदीस से दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे अब कुरान नहीं पढ़ रहे, आप जानते थे पहले मसाजिद से मुलाहक किस तरीके से मकातिब हुआ करते थे, लेकिन आज उन मकातिब को ख़त्म करके हम अपने बच्चों को पढ़ लें, जो स्कूल्स हैं जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की तालीम होती है, हिंदी की तालीम होती है, हमारी अपनी दूसरी लैंग्वेज की तालीम होती है, हमारी जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, और कुरान को हम साइड कर रहे हैं। तो ये जो एवरेज फाउंडेशन की जानिब से, अतर जमील साहब की जानिब से बच्चों को हाफिज़ बनाने का जो एक इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, एक मिशन शुरू किया है, ये काबिले सताइश है। और आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले कहा करता था, मेरा विजन तो वो है ना कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बच्चे दिए ना, तो 10 बच्चों को मैं हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, ठीक है, अल्लाह ताला करे। और फिर ये नहीं कि हाफिज़े कुरान बना के मैं रोक दूंगा, ठीक है, आप में से बहुत सारों का भी इसका समझ में आ सकता है, बहुत सारे इस तरह विजन रख भी सकते हैं, ऐसा होगा ना कि हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, हाफिज़े कुरान को 15 की उम्र में बन जाएगा, 17 की उम्र में बन जाएगा, उसके बाद एक को मैं इंजीनियरिंग में भेजूंगा, एक को डॉक्टरी में भेजूंगा, एक को मैं खेल में भेजूंगा, अलग अलग तरीके खेल, इंडिया में लोग खेल में जाके तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफिज़े कुरान बनाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो मदरसे और मस्जिद से मुलाक हो रहा है, नहीं भाई साहब, आप हाफिज़े कुरान बनाइए, हाफिज़े कुरान बनने के बाद ना अल्लाह ताला उसको जहन देता है, ठीक है, इंटेलिजेंसी देता है उसको याद करने का, समझने का, और उसकी बरकत से वो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, कुरान आखिर है क्या? कुरान हम सबको पता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो क़यामत तक की रहबरी के लिए आया है, क़यामत तक की रहबरी करेगा कुरान, और कुरान में क़यामत तक के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो मतलब एक आइडियाज़ हैं, जो फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें उसमें है। लेकिन जब जितना वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से कुरान की तशरीह हैं आसान हो रही है। तो अगर मान के चला आजकल यूरोप वगैरह जो 20 साल 25 साल के लिए क्या दुनिया होने वाला है, रिसर्च जो कर रहा है, तो उनका बेस कुरान होता है। जी बिल्कुल, कुरान से बहुत सारी चीज़ें मालूम अक्सर करके वो 25-30 साल के लिए रिसर्च करते हैं, जबकि और बाकी उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम भी, अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा रिसर्च सेंटर होता, हम भी कुरान हदीस के मतलब जो बहुत सारे हदीस है, कुरान के जो बहुत सारे शिकायत हैं, अगर उसको हम लोग रिसर्च करते उस पर, तो हम लोग भी 20-30 साल के पहले एक रिसर्च करके बैठे होते जी, बिल्कुल, हमने उस चीज़ को छोड़ा तो दूसरे लोग कर रहे हैं। हाँ। हमारे असास से, हमारे माखज से यूरोपियन लोग, वेस्टर्न लोग जिस चीज़ को कुरान को पकड़ के वो आगे बढ़ आगे रहे हैं, मुसलमान उसी कुरान को छोड़ के पीछे हट रहे हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, और सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह जब गए थे, उनको मिस्र गए थे, सॉरी मिस्र वालों ने उनको भेजा था यूरोप वगैरह, कि वहाँ के एजुकेशन सेक्टर का मुताला करने के लिए, वहाँ एजुकेशन निज़ाम क्या, सिस्टम क्या है। जब वो रिटर्न होकर के आए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि मतलब आपने क्या यूरोप में देखा, तो उन्होंने कहा यूरोप में मैंने इस्लाम को देखा, मुसलमान नहीं देखा मैंने, और मिस्र में मुसलमान है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, यानी वो सारे इस्लाम वाली चीज़ें हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, और हम लोग मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। अब कुरान के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही बेहतरीन मतलब शेर है,
जो हमेशा हमारी रहनुमाई कर सकता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। बहुत बार बहुत आसान है, बहुत मशहूर है, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीख़े कुरा होकर। ये दो लाइन का इतना छोटा सा है, लेकिन इसको हम कभी नहीं समझेंगे, सच बता रहा हूँ, हम कभी नहीं समझेंगे। क़यामत आ जाएगी, हम गुनाहों में लथपथ होंगे, फिर क़यामत आएगी उस हालत में, ठीक है, और ये होना है। किस तरीके से हम कुरान से दूर हैं, किस तरीके से कुरान की तालीमात को हम पसे पुश्त डाले हुए हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हम मकहूर हैं, हम मजबूर हैं, ठीक है, हम पे जुल्म किया जा रहा है दुनिया में, हर तरफ हर खित्ते में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, ठीक है। ये एक बात मैं कहूँगा, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, इसका मतलब है कि अगर हम मुअज्जज़ होना है, हमें आज भी इज्जत की तरफ आना है, तो हमें जो है आपका कुरान की तरफ आना होगा। और शायद इमाम शाफ़ई का कौल है या किसी और का आएगा, उन्होंने फरमाया था लई असलुहा आखिर हादिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिहा अव्वलुहा, ठीक है, इस उम्मत के आखिर की इस्लाह वैसे ही हो सकती है जैसे पहले हुई थी। पहले वालों ने कुरान को पकड़ा था, पहले वालों ने मोबाइल को नहीं पकड़ा था, पहले वालों ने टेक्नोलॉजी आज की ज़रूरत है, मैं उसको नहीं बोल रहा, पहले वालों ने जो आज की नई दुनिया है, जो नई दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, हम रुपये के, पैसे के, बिल्डिंग के पीछे भाग रहे हैं, उससे इस्लाह नहीं हुई थी। इस्लाह हुई थी हमें कुरान से जुड़ के, हदीस से जुड़ के, ठीक है, सहाबा से जुड़ के, ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे उलमा हैं, जो औलिया हैं, सुलहा हैं, उनसे जुड़ के हमारी इस्लाह हुई थी। तो उसी तरीके से आज भी हमारी इस्लाह हो सकती है। तो उम्मत अगर अपनी इस्लाह के बारे में सोचती है तो उसे अपने बैक जाना होगा। हम वो हैं जो हमें पीछे जाकर हमें रहनुमाई मिल सकती है, पीछे जाके हमें इज्जत मिल सकती है, आगे बढ़ने में, यूरोप की तरफ जाने में हमारी जो है सूरज जो डूब ही जाता है, ठीक है। भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही कि कुरान ही से रिश्ता, जितना रिश्ता कुरान से हमारा मजबूत होगा, उतना हम मजबूत होंगे, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। कुरान हमारा असास है, हमारा माखज़ है, कुरान ही हमारा अव्वल है, वही आखिर है। जी बिल्कुल, एक अल्लाह अकबर शेर भूल रहा हूँ, वही वही यासीन, वही कुरान, वही इस तरह के है। बहरहाल तो ये थोड़ा पीछे दिखा दें, यहाँ पर ये मंजर, ये वाला यहाँ पर देखें, थोड़ा करीब करें, जूम करें, काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ से।